But it's too late now. I remember you and me and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your heart. कह रहे हैं कि सुबह नहाने के लिए गर्म पानी नहीं मिलेगा। Think with our hearts, stare at the stars. We were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom. Hello, एक बात बताऊं वापस की। ये जो अली आज़िक है ना, इसने आज तक किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दी होगी, लेकिन लाइन मारने के लिए हर लड़की को कह रहा है स्टिक ले जाए, स्टिक ले जाए। यार हम लोग फाइनली एक लंबी हाइकिंग करने के बाद चला चले टॉप पर पहुंच गए शालान के, और यहाँ पे एक होटल भी है, और यहाँ मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं बर्फ से भरे पड़े हैं। तो अभी हम लोग ऊपर थोड़ी देर स्टे करेंगे, फोटोग्राफी वगैरह करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, एक दूसरे को बर्फ मारेंगे, और उसके बाद फिर वापसी नीचे की होगी। तो अभी ये शमरेज कहता है कि इस जगह पर चलते हैं, तो मैंने कहा आओ यहाँ पे चले। और कहीं दूर चले जाए हम। ये बहुत मजे की जगह है, ये देखिए बर्फ। हेलो व्यूअर्स, गिरो रुक गिरता हूँ खुला। हेलो व्यूअर्स, बड़ा सोना काम किया है। Now I remember everything and how careless we could be and how careless we could be. Nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays. तो यार आप लोगों ने देख तो लिया होगा हम लोगों ने कितना हल्ला गुल्ला किया, एक दूसरे के ऊपर कितनी ज्यादा बर्फ फेंकी है। फुल बर्फ के अंदर हम लोग दब गए थे, एक दूसरे के ऊपर बर्फ फेंकते फेंकते, और फुल गीले हो गए, और मेरे बालों से इनफैक्ट कीचड़, क्या जैसे कहते हैं, बाल इतने गीले हो गए थे पानी निचड़ा था। तो हमने कहा यार मजीद नहीं खेलते बर्फ़ के अंदर, आई मीन बुखार चढ़ जाए। तो बस अभी यहाँ से हम लोग वापसी कर रहे हैं, और उम्मीद है कि तकरीबन 40 से 45 मिनट में हम नीचे जीपो तक पहुँच जाएंगे, और मज़ीद फिर जीपो से 35 मिनट लगेंगे और हम लोग पहुँच जाएंगे नीचे तक, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह अपना सफ़र वापसी का आगाज़ करेंगे। और रास्ते में हमने खाना भी खाना है तकरीबन 8:30-9 बजे। तो अभी चलते हैं नीचे, तो साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहा होगा और आप लोग इन्जॉय करें होंगे। तो बस अभी चलते हैं थोड़ी देर। लो जी, वापसी का सफ़र हमारा शुरू हो गया। कुछ लोग तो गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं, लेकिन हम लोग
पैदल ही नीचे जा रहे हैं और मेरे साथ है शाहिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके? सलाम इसलिए ले रहा हूँ कि यार तबीयत मेरी इस बार बहुत खराब हुई है। सबसे जिंदगी का जो सा गंदा ट्रिप था वो ये वाला रहा। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि वॉमिटिंग आज शुरू होगी, लेकिन उसने बहुत तंग किया और अभी तो वापस जा रहे हैं। अब वापसी पे देखो क्या सीन होता है। हालांकि मैंने दवाई भी ली है और रेस्ट भी किया, लेकिन उसके बावजूद बहुत तेज़ वॉमिटिंग हुई है। पहले भी हुई है, नाश्ता किया और उसके बाद भी हुई है। बाकी ये अल्लाह का शुक्र है इन सब लोगों का अभी तक तो सफर ठीक जा रहा है। हाँ बताओ कैसा जा रहा है सफर? फिट हो गया यार, फिट हो गया। साथ साथ बताता जा रहा हूँ कैसा सफर जा रहा है। ये सैफी से पूछ। ए शमरेज भाई ना यार, असल में शमरेज भाई पूरे गीले हो चुके हैं इस टाइम पे, क्योंकि शमरेज भाई को बहुत ज्यादा बर्फ मारी है और इसे लटाया गया पूरा बर्फ में और शमरेज भाई का अंग अंग बर्फ बन चुका है। शमरेज भाई लटाया कर दी, आपका अंग अंग बर्फ हो गया। नहीं नहीं, आप फ्रेश हो, फ्रेश हो रहे हैं जी जी। अच्छा चले ठीक है यार, हो जाएंगे एक ही दिन। आओ मिलके गाना गाएं यार, चलो। और हम धूप में आ चुके हैं। मैं आपको कुछ वैक्सीन भी दिखाता हूँ। यहाँ पे एक रिजॉर्ट बन रहा है और बहुत जल्द वो खुलेगा। ये इधर उमर आएगा अपनी बच्ची को लेके। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। बच्ची को नहीं लेके, भाभी के साथ आएगा। नहीं नहीं नहीं, भाभी के साथ आएगा। हम ऐसे कोई वो नजायज काम करते ही नहीं है जो इस्लाम के खिलाफ हो। अल्लाह अकबर। सर्दी की अगर मैं आपको बात करूं तो आज साल का आखिरी दिन है 31। शारान मानसी टॉप और बर्फ आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी है, इतनी कोई ज्यादा बर्फ नहीं जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुई है। दो दिन पहले स्नोफॉल हुई थी, लेकिन ये कि उसके बाद धूप निकली है और स्नोफॉल बिल्कुल यानी क्या बस कह सकते हैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी है स्नो। और दूर दूर पहाड़ों पे अभी भी नज़र आ रही है। अगर आप लोग आना चाहते हैं और अगर सही इंजॉय करना चाहते हैं तो रात का नाइट स्टे करेंगे, नाइट स्टे लाजमी करें। ठीक है, आप जिस टाइम शरान आएंगे, शरान से आगे ये मानसी टॉप है ना ऊपर, हाँ ये मानसी टॉप, इसके ऊपर रिजॉर्ट है तो वहाँ पे आपको स्टे भी मिल जाएगा और बहुत प्यारा रिजॉर्ट है। तो लेकिन आप पहले पता करके आएँ कि बुक भी है, बुक है या नहीं बुक। और अगर मेरा मशवरा मानते हैं आप में जो भी ये व्लॉग देख रहा है तो कम अज़ कम भी वो जनवरी की 10 तारीख के बाद है, क्योंकि तब भी आई गेस के बर्फ़ ज़्यादा होगी और ठंड भी ज़्यादा होगी और शुगल मेला तो फिर होगा ही होगा। बाकी आपको सीन दिखाते हैं। कुछ बहुत ही अपर क्लास के लोग जा रहे हैं पीछे, सात लड़कियां भी और नाइट स्टे करेंगे। नाम मेहरम। बाकी अब सोच सकते हैं कि क्या क्या होगा। ओहो, ओह ये हमजा थकान का मारा हमजा हमारा। वो तो उल्टी आ गई ना, लेकिन ये कि थकान का मारा हमजा हमारा बहुत ओखा चढ़ा भी है। और अब तो चले उम्र दे कह सकते हैं क्या रो मैं गया आ गया आ गया मैं तो बढ़ गई दे ना यार तो मैं गिर रहा हूँ फ्लिप हो रहा है इसलिए साइड शमरेज की तो पूरी हो गीली हो चुकी है पीछे से अभी आगे पीछे बिल्कुल। अल्लाह अकबर। शमरेज साहब आपका अल्लाह हाफिज, हम आपके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। दुआ जी सारे मिल के दुआ या अल्लाह पाक शमरेज के हालात पे दुआ सही दुआ चलो दुआ दुआ चलो या अल्लाह पाक शमरेज के हालात पे रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और इसे अकल और मौत अता फरमाए। अभी भी बर्फ में बैठा हुआ पूरा गीला है। और अभी हम वापसी जा रहे हैं। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? एक भाई है जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बच गया। माशाल्लाह माशाल्लाह गीली बंदूक है, गीली बंदूक है पूरी। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी टोई दिखा के रेट लगवाते हैं। ये जीप्स और ये ऊपर इधर आ रही है। चाचा जी गुड बाय। ओहो ठीक है, वो गुड हो गया चाचा जी। ओ
तुम अल्लाह का शुक्र इस बार मैं ऐसे बूट पहन कर आया हूँ जो मेरी सॉक्स अंदर से गीली नहीं हुई है। तो आपको भी यही मशवरा दूंगा कि जूते ऐसे इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी जो सॉक्स वगैरह वो गीली ना हो। लॉन्ग शूज के बिना यहाँ पर जो है लॉन्ग शूज के बगैर तो बिल्कुल भी मत आए। और शूज चेक जरूर करें कि उसकी ग्रिप है या नहीं है। हाँ। और हाथ बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं। एक मिनट मुझे जरा पॉज दे, मैं ग्लव्स पहन लूं। अभी आया और अभी हम ट्रैक के ऊपर ट्रैक नीचे ये देख रही है, देखिए गाड़ी आ रही है मुड़। और हम नीचे जा रहे थे लेकिन ये गाड़ी आ गई है हमारी और शायद हम इसके पता नहीं। सब शॉपर थे इसमें, सब शॉपर थे एक नंबर के। आजो यार, आ यार नीचे ही चलते हैं। ओए कोई आएगा, मैं कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आ जाए, हम जा रहे हैं नीचे। आओ यार। तो यार वैसी उमर सब एक ऑनेस्ट रिव्यू, यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मैं बता, आना चाहिए यार, आना चाहिए की जगह नहीं। 100 में से इस जगह को कितने परसेंट मार्क्स मिलेंगे? 10 में से, चलो मैं ईमानदारी 10 में से कितने मार्क्स देंगे? ईमानदारी से बात करूं तो बहुत एडवेंचरस जगह है। और अंकल जी भी हाजिर है। ला 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 ला, देखें कितनी एडवेंचरस, कितनी एडवेंचर है, बहुत एडवेंचर पास गया। जो बस एक मसला है यहाँ पे हमारे, जो थोड़ा सा हुआ ना मसला, वो हुआ कि मैनेजमेंट हमने सही नहीं की। जो वो थे ना उसे क्या कहते हैं ऑनर्स, उन्होंने मैनेज सही नहीं किया और अभी फिलहाल हम भी मैनेज सही नहीं कर पा रहे। और अगर मैं आपका अपना रिव्यू दूं तो यानी कि जिस तरह हम अटक, मैं अटक से हूँ ठीक है, हम अटक से आए, मैं कोई पेशावर से आ रहा होगा, कोई इस्लामाबाद से आ रहा होगा, अगर देखा जाए ना तो एक नाइट स्टे जरूर बनता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नाइट स्टे हो गया। और जा, जा। अच्छा तो मैं कह रहा था एक नाइट स्टे जरूर बनता है क्योंकि हम अटक से आए हैं। हमने तकरीबन 4 बजे गाड़ी चली ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। उमर भाई अल्लाह आपके सारे गुनाह माफ करे, आ जाए और मेरे भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चल यार ऐसे ही चलते उमर भाई। नहीं, नहीं, नहीं। उमर भाई मैं आपको एक ही दफा ना, वो इधर से आ, इधर से आ। तो अच्छा मैं आपसे कह रहा था बेशक आप जहाँ से भी मर्जी आ रहे हैं आप एक नाइट स्टे जरूर करें, यानी कि अटक से हो गए, पेशावर से हो गए, इस्लामाबाद से हो गए और ऐसे एरिया से एक नाइट स्टे ज़रूर करें क्योंकि इसका सफ़र तकरीबन अब हमें टॉप तक जाते हुए हमें तकरीबन 6-7.5 घंटे लगे, 7.5 घंटे सिर्फ हमें ऊपर तक जाते लगे। और अभी हमने 7.5 घंटे का सफ़र करके वापस भी जाना है। सिर्फ एक ये मसला है कि बंदा बहुत थक जाता है। तो मेरी आपको यही सजेशन है, बाकी अगर जगह की बात की जाए तो व्यू बहुत अच्छे हैं, ये बात नहीं है। खुदा ने माशाल्लाह पाकिस्तान को इतने प्यारे वो व्यू से नवाजा है, नेचर हमारी इतनी अच्छी है अगर हम उसे सही तरीके से एक्सप्लोर करें। तो आएँ ज़रूर, गंद ना करें और इंजॉय करें बस। अभी एक और गाड़ी है मेरे पीछे, नीचे से आ रही है लेकिन यहाँ पर बर्फ़बारी हुई हुई है और स्लिप हो रही है। कोशिश करेंगे अगर बर्फ़बारी में आप आ रहे हैं तो कोशिश करेंगे जहाँ तक बर्फ़बारी नहीं है वहाँ तक जीप में आ जाएं और उसके बाद ख़ुद हाइक करके आएँ क्योंकि ज़िंदगी और मौत का नहीं पता। मैं आपको कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ, वो दूर पहाड़ है उसके ऊपर बर्फ़ है लेकिन नज़दीक यहाँ पर बर्फ़ पड़ी थी लेकिन वजह ये बनी कि ये देखें अब ये कितनी मुश्किल से ये जीप चढ़ रही है, ये देखें आप। अब ये बर्फ़ के ऊपर जीप तो जा रही है लेकिन इसको कोई पता नहीं, इसने चैन भी नहीं लगाई, वो देखिए कितनी स्लिप हो रही है। तो कोशिश करेंगे आप जीप के ऊपर ना बैठें। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि बर्फ़
हाँ, बर्फ इन पहाड़ों पे भी पड़ी थी, लेकिन वजह यह है कि अभी 2 दिन हुए बर्फ पड़ी को, आज 31 दिसंबर है और ये 2 दिन पहले पड़ी है, तो धूप निकली है सारा पानी और के पिघल गई। मैं दिखाता हूँ बस थोड़ी सी ऑडियंस के साथ बात कर रहा हूँ। तो बाकी दूर दूर पहाड़ों पे अभी भी बर्फ है और कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं हाइकिंग करते हुए और हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। और उमर भाई कोई अल्लाह के फजलो करम से कोई 5 से 10 दफ़ा गिर चुके हैं। और अच्छा ये देखें, और मैं भी गया, और ये देखें जहाँ पे ट्रैक ख़त्म ख़राब हो रहा है वहाँ पे ये लोग मरम्मत भी कर रहे हैं इसकी, ये बहुत अच्छी बात है। किसके ऊपर से यार, असल में मैंने लॉन्ग जूते नहीं पहने, मेरे थोड़े शॉर्ट हैं तो पानी चला जाएगा बीच में, अभी तक गया तो नहीं है लेकिन कुछ नहीं पता। इधर ना चले भाई, इधर चलो, इस तरह देखें, इस तरह करके चले ये एड़ी के साथ, वरना अब ये देखें ये लॉन्ग जूते नहीं है तो इन बाइक के भी लॉन्ग जूते नहीं और स्लिप हो रहे हैं। लॉन्ग शूज आर मस्ट और उनकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। लाहौर से बहुत ज़्यादा लोग आए हुए और जा रहे हैं ऊपर। क्या क्या अली भाई क्या कह रहे हैं आप? अल्लाह सब के हालात पे रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। क्या ना कह रहे कि सुबह नहाने के लिए गर्म पानी नहीं मिलेगा, ठंडा पानी अली यू आर सो नॉटी। गर्म पानी नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है लोरियो से कि भाई बाकी आप समझदार हैं सारे। हम तो देखे वो बात कर रहे हैं जो लोरियो के फायदे की है, ठंडे पानी से कोई नहीं ना। तो गाइस पहुंचने वाले हम नीचे और ये देख रहे हैं कितने बुरे हालात है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि लोरी इतने ज्यादा आगे ना। अच्छा बात सुनना, लड़का जा रहा तो उसकी सारी लड़कियां, मैंने बोला भाई उधर गर्म पानी नहीं मिलेगा, आगे तो पता क्या कहते हैं, क्या कहे कह रहे मैं तो नहाना भी 3 दिन बाद ही है। तो देखे लोग पहले से तैयारी करके आए, ओए तो ये आप देखे कितनी कितनी बर्फ है, उसको दिखा रहा हूँ और वो देखे नबील को। हला ये जो है ना शहजादा, हला एक बात बताऊं आपस की, ये जो अली आजिक है ना, इसने आज तक किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दी होगी, लेकिन लाइन मारने के लिए हर लड़की को कह रहा है स्टिक ले जाए स्टिक ले जाए। अल्लाह माफ करे, इतना बड़ा ये ठरकी है, इतना बड़ा कोई ठरकी है ये। तो हम तकरीबन अपनी चीपो तक पहुँच गया यार, थोड़ा सा रास्ता रह गया बस, ये देखना तो ये सारे हमारे लोरी भाई आए हुए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। तो यार हम फाइनली अपनी जीप तक पहुंच चुके हैं, बस थोड़ा सा सफर रह गया। ये देखिए ये देखिए वो आप जीपों की लाइन लगी हुई है पीछे, अस्सी थले जा रहे हैं थले। हाँ जी यार लद उतर गई है नीचे उतरते उतरते, और अभी भी अच्छा खासा सफ़र रहता है हमारा, और सूरज भी गरूब होने वाला है। बट ये देखें सारी जीपें खड़ी हैं, रास्ते ब्लॉक हो गए हैं बिकॉज बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो गई है इसलिए। ये आप लोग मेरे पीछे मंजर देख रहे हैं, वो पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ है, और अब हमारी भी बस हो गई है, हम कह रहे हैं बस अब गाड़ी आई और हमें लेके जाए। We'd spend our own way, we were careless, we were fearless, we were reckless.
reckless, time was precious. We love to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. तो यार फाइनली हम लोग नीचे पहुंच गए हैं हाइकिंग करके, जीप का सफर करके, और बहुत अच्छा सही है। और अभी हम लोग यहां से कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं। तो यार अभी खाना खाने के लिए हम बैठे हुए हैं एक होटल में। एक बंदा हमारा ऊपर मिस हो गया था, उसके इंतजार में फिर हमने इधर ही खाने तो अभी वो बंदा पहुंचा है इधर उस वक्त का। तो बस अभी इधर खाना लगने लगा है, सारे मेहमान बैठे हुए हैं। ये देखे बोलो सर। दोबारा घर अरे शमीजा Now I remember everything and how careless we could be and how careless we could be. खाना शाना खा लिया हम लोगों ने यहाँ पे और रात के तकरीबन बज रहे हैं 9 बज रहे हैं। तो अभी हम लोग निकलने लगे हैं, वापसी होने लगी। ये देखा आपने, ये इधर सारे ठोंस रहे हैं खाना। तो यहाँ से करते हैं वापसी इंशाल्लाह। और 5 से 6 घंटों का सफर है, बहुत सर्दी है। तो साथ साथ आपके साथ बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। फाइनली अभी हम लोग घर पर आ गए हैं ट्रिप से। और ये देखे मेरे साथ तीनों लंबे पड़े हुए हैं। दादी सोना यू आगे मोड़ा यहाँ कौन तो ही जरा जोर नहीं है। अभी ना अभी मैरियटॉन में न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी होने वाली है, लेकिन अभी इतना इतने अंदर से ना मत्ते पड़े हैं ना, चुप करना हुआ इतना अंदर हम सा ही नहीं है जा सके। तो यार अभी बहुत सख्त भूख लगी हुई थी तो हम लोगों ने पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं पिज्जा बेस से। ये हमजा कान मिला रहा है। वालेकुम सलाम सर, अटक पिज्जा बेस ब्रांच से बात कर रहे हैं जी। सर वो लार्ज पिज्जा और वो 6 विंग्स वाली जो डील है वो कितने की है? 1400 की है ना? 1450 की कैसे हो गया सर? वो तो 1400 है, 1399 है। अच्छा, और डिलीवरी फ्री है? डिलीवरी फ्री है ना? ये सर कौन सी जगह? ये रियाज कॉर्पोरेशन से अंदर आते हैं ना जब? सर रियाज कॉर्पोरेशन आपको पता है? ठीक है, तो हम लोगों ने अभी ऑर्डर किया है पिज्जा मुगलाई। तो पिज़्ज़ा बेस से तो वो तकरीबन आ चुका है, तो अभी हमने रिसीव करना है वो पिज़्ज़ा।
और वो रिसीव करके हम लोग ठोंसेंगे और ठोंसने के बाद इंशाल्लाह फिर सो जाएंगे। तो अभी बस वो राइडर की कॉल आई थी कि भाई पिज़्ज़ा लेके आ रहा हूँ, तो मैं आपसे रब्ता करता हूँ। तो अभी चलते हैं नीचे और पिज़्ज़ा को पिक करते हैं।